राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे हैं, ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है, आप जो मर्जी कर लो। कल हैदराबाद में पीएम मोदी का एक प्रोग्राम था, जिसको लेकर वहां पर पोस्टरबाजी हुई। जो वहां के सीएम है केसीआर, उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव पोस्टर लगाए, वो आप साइड की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मनी हिस्ट के कैरेक्टर हैं उनके पोस्टर है, या उनका जो एक डमी है वो खड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि हमने तो बैंक चुराया था, आपने पूरा देश चुरा लिया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटानिया का आप ये फोटो देख सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी का फेवरेट बिस्किट। तो कल जिस तरीके से सीएम केसीआर ने वहाँ पर स्पीच दी, और उस स्पीच में एक राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उनको जनता के सामने जलील किया है कि आप एक साहूकार के, एक व्यापारी के प्रवक्ता बनकर घूमते हैं, तो उससे पूरे देश में मोदी जी की फजीहत हो गई है और सवाल जायज है। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो सुनिए जिसमें केसीआर कह रहे हैं कि आप जब श्रीलंका गए थे तो देश के प्रधानमंत्री बनकर नहीं गए थे, बल्कि आप अपने दोस्त के एजेंट बनकर गए थे, जहां पर आपने उनके लिए कारोबार के लिए, जहां पर आपने श्रीलंका में अपने दोस्त को कारोबार दिलवाने के लिए दबाव डाला। इसको सुन लीजिए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जनांदोलन चल रहा है श्रीलंका देश में, क्यों चल रहा है। आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे आप, देश का अपमान किए। तो सुना आपने किस तरीके से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका से अडानी को एक प्रोजेक्ट दिलवाते हैं, उसके बाद श्रीलंका में पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। तो आप समझिए, जो प्रधानमंत्री की जो साख थी वो सारी खत्म हो चुकी है। आज एक बिजनेसमैन के एजेंट बनकर रह गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएम केसीआर ने कहा है। इसके बाद अब ये वीडियो सुनिए। आप ही कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? तो सुना आपने किस तरीके से सीएम केसीआर कह रहे हैं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप कहते थे कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, भारत का रुपया क्यों गिरता है? लेकिन आज भारत का रुपया जो गिरा हुआ है धड़ाम से, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तमाम अर्थशास्त्री इस बात से हैरान है कि आने वाले दिनों में कहीं हालत, भारत की हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो इस तरीके से मोदी पर लगातार सीएम केसीआर ने हमला किया है। अब इसके अलावा ये यहीं नहीं रुकते, इसके अलावा आप इनका अगला वीडियो सुनिए। राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे हैं, ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है, आप जो मर्जी कर लो। तो सुना आपने किस तरीके से केसीआर कह रहे हैं, क्या दादागिरी है, क्या गुंडागर्दी है, हम आपसे कोयला नहीं लेंगे। आप अंदाजा लगाइए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने दो दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी अडानी, उसके बाद से पूरे देश की जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वो सारी जो है एक जगह होकर दो तीन जो इनके करोड़पति दोस्त हैं उनके पास चली गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएम केसीआर कह रहे हैं। गेल, भेल, जितनी भी तमाम जो महारत्न कंपनियां थी वो सारी प्राइवेट कर दी गई है। रेलवे हो, बैंक हो, हर जगह पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और इसका नुकसान सिर्फ बहुजनों को होगा, क्योंकि वहां पर प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नहीं होगा और बहुजनों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से धीरे धीरे ये सरकार पूरे देश को पूंजीपतियों के पास गिरवी रखती जा रही है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि अगले 15 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होने को होता दिख नहीं रहा है। इससे पहले तमाम जो अर्थशास्त्री है, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो रघुराम राजन, तमाम लोग सवाल उठा चुके हैं कि जिस तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, नोटबंदी की थी, ये सारी नीतियाँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, अंबानी अडानी के लिए। अब जिस तरीके से श्रीलंका में जाकर अडानी को प्रोजेक्ट दिलाते हैं, दबाव बनवाते हैं, उसके बाद पूरे श्रीलंका में भारत की छवि धूमिल होती है और वहां पर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है।
वहीं अब केसीआर कह रहे हैं कि हम आपसे कोयला नहीं लेंगे और आप जो है हम पे दादागिरी नहीं चला सकते। तो ये बड़ी खबर थी। इतना ही नहीं, जब कल पीएम मोदी तेलंगाना हैदराबाद पहुंचे तो उनको बाय बाय ट्रेन झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर उनका बायकॉट रहा। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से इनका बायकॉट हुआ है। और ये कल, ये देखिए वाईएसआर हैं जो जगनमोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम। ओ नो, मनी हिस्ट गैंग स्ट्राइक बैक हार्ड येट अगेन। ये तस्वीर देखिए, शेमफुल फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, बाय बाय मोदी। जिस तरीके से इन्होंने सरकारें गिराई है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए कविता, ये उन्होंने ट्वीट किया, हैदराबाद राइट नाउ। ये तस्वीर देखिए, मोदी जीज फेवरेट बिस्किट, अच्छे दिन आने वाले हैं, ब्रिटानिया का एक प्रोमो एड है। पोस्टरबाजी के जरिए तंज कसा गया है। और ये देखिए जो मनी हिस्ट के कैरेक्टर हैं, उन्होंने एक पोस्टर लेकर खड़े हैं जिसमें लिखा है, वी ओनली रोब बैंक, यू रोब द होल नेशन, बाय बाय मोदी। ये देखिए बड़ा पोस्टर लगा है, मिस्टर मोदी, वी ओनली बैंक रोब, यू रोब होल द नेशन। तो इस तरीके से कल पूरा दिन हैदराबाद में पोस्टरबाजी चली है। जो पीएम मोदी थे उनको सोशल मीडिया पर बाय बाय मोदी का ट्रेंड झेलना पड़ा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।